खबर कौशाम्बी से है, जहां मंदिर के पास होली खेल रहे युवक को गोली मारकर पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को प्रयागराज रेफर कर दिया। गोली चलने से दूरदराज के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहब्बतपुर पैंसा थाना कोतवाली का मामला है, जो कि लखनऊ से JCPL ओ पीयूष मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। होली पर हर ज़िले में 4000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिससे CCTV और ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही थी। जो व्यक्ति माहौल खराब करने से बाज नहीं आते हैं, जिसे रंगों की सच्चाई, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, जिसे रंगों को यश, कृति, खुशहाली, उन्नति का, जिसमें रंग हो करुण, दया, मानवता व प्रेम भाव का, जिसमें रंग हो भेदभाव, छुआछूत, ऊंचा नीच, मिटाने का, यही इस समय योगी राज की सरकार में धुआंधार गोलियां, बम की बौछार हो रही है। इससे जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। रामशाहीपुर ग्राम अंतर्गत 102 समुदाय के बीच में गोली चली। होली उपलक्ष्य में हम पुलिस वालों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। किस किस का नाम, हमको ये चीज़ नहीं पता है। ये पैंसा थाना अंतर्गत किरातुल, जस्ट 4 किलोमीटर अंतर्गत। सिराथू से जस्ट 4 किलोमीटर पैंसा कोतवाली थाना अंतर्गत 2 समुदायों के बीच में गोली चली है। ये देखिए, पैसा थाना क्षेत्र के रमसाहीपुर गांव में दो पक्षों में आज सुबह होली जलने के बाद जो फाग के लिए शुरुआत होती है, उस समय विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक युवक के गर्दन पे गोली लगी हुई है। उसे तत्काल इलाज के लिए सारण हॉस्पिटल भेजा गया है और जो अभियुक्तगण हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है। बहुत शीघ्र हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। बताई जा रही है, हाँ, इन लोगों की आपस में पहले से भी रंजिश है और ये बाउंड डाउन भी हुए हैं। हम लोग पूरे तहकीकात करेंगे और इनके विरुद्ध जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अब तक कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ? हाँ, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। कौशाम्बी से संजय की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।